हाय दोस्तों, हर गंगे हर हर महादेव, आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग समय। अभी हम खड़े हुए हैं सबसे प्रमुख ब्रिज संजय सेतु में और अभी हम जा रहे हैं मार्केट की ओर। आप अगर हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ की जो टेम्परेचर है और गंगा घाटों में आने का समय जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे अभी जो सर्दी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आप भीड़ भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते श्रद्धालुओं की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। ऐसे वीकेंड में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और लगातार अब भीड़ देखने को मिलेगा। ऊपर पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हरिद्वार में भी ठंडी का एहसास हो रहा है। ऐसे हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं आप सबको। ये है हर की पैड़ी में प्रवेश करने का सबसे प्रमुख द्वार और आप जब आते हैं हरिद्वार तो इसी घाट से और इसी मार्ग से होकर आप जाते हैं ब्रह्मकुंड की ओर। ब्रह्मकुंड यहाँ का सबसे प्रमुख घाट है जहाँ पे अमृत के बूंद गिरे थे। अभी हम चल रहे हैं मार्केट की ओर और मार्केट में जाने से पहले आपको दो मार्ग दिखेंगे। एक तो भीमगुड़ा की ओर गया है, दूसरा मनसा देवी और अपर मार्केट होते हुए रेलवे स्टेशन की ओर गया है। ये जो मार्ग दिख रहे हैं ये है भीमगुड़ा जाने का मार्ग। आप कार से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग के लिए भीमगोड़ा में काफ़ी अच्छे आपको रूम और धर्मशाला मिल जाएंगे। आप धर्मशाला या रूम भीमगोड़ा में ले सकते हैं। अगर आप अपर रोड की ओर लेना चाहेंगे तो आपको पार्किंग का दिक्कत होता है। अधिकतर अपर रोड में या फिर मोती बाजार के आसपास वो लोग रूम या धर्मशाला होटल लेते हैं जिनके पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर नहीं होता। ये जो ई रिक्शे पेडल रिक्शे आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको मनसा देवी और रेलवे स्टेशन की ओर ड्रॉप करेंगे। मनसा देवी जाने के लिए आपको 20 रुपया देना होगा और यहाँ से आप रोडवेज जाएंगे तो आपको 30 रुपया देना होगा। ऐसे आप बार्गेनिंग करेंगे तो कम या ज़्यादा हो सकता है। यह यहाँ की प्रमुख मार्केट और यहाँ पे आप खाने पीने रहने और शॉपिंग के सारे ऑप्शन मिल सकता है आपको, तो यहाँ पे आप स्टे जरूर करें। अगर आप केवल एक दिन सुबह आके शाम तक स्टे नहीं करना चाहते, शाम को वापस जाना चाहते, तो आप लॉकर में अपने सामान रख के पूरा हरिद्वार भ्रमण कर सकते हैं। ये है लॉकर और ये है हर की पैड़ी। ऐसे हमने कल और भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको गंगा घाट के ऊपर यानी नई घाट में लॉकर का दृश्य दिखाया था। ऐसे लॉकर आपको गंगा घाट के ऊपर अभी जो आपने देखा यहाँ पे और रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे स्टेशन के अंदर भी लॉकर आपको मिल जाएगा, तो आप चाहे जो भी सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं आपके ऊपर है। अभी जो टेम्परेचर है जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं और ये आप सबके लिए जरूरी भी है, सुबह की जो टेम्परेचर होती है 7-8 डिग्री होता है और अर्ली मॉर्निंग अगर आएंगे तो थोड़ी परेशानी होगी। ऐसे हरिद्वार की यात्रा अभी काफ़ी अच्छा हो रही है और भीड़ भी कभी कम है, लेकिन इस हफ्ते में भीड़ आपको देखने को मिलेगा। आप जब भी आए होटल अपनी कोशिश करें एडवांस बुकिंग करने का। अगर आप नहीं भी करते एडवांस बुकिंग तो आपको यहाँ पे होटल की काफ़ी संख्या मिलेंगी, जो कि रेंज अगर हम कहें तो आपको 500 में होटल मिलना स्टार्ट हो जाता है और धर्मशाला 300 में, और अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो आपको 300 में डॉर्मेट्री भी मिल जाएगा। आप डॉर्मेट्री का भी उपयोग कर सकते हैं और डॉर्मेट्री का वीडियो सेपरेट हमने बना रखा है, आप नहीं देखा है आपने तो आप जरूर देखें, उसमें नंबर भी है, आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ खाने का देख रहे हैं और गंगा घाट के पास, तो आपने देखा प्रमुख द्वार और ये मोहनजीपुरी वाले, यहाँ पे सुबह आपको भीड़ कितना ज़्यादा होता है ये आप लाइव देख रहे हैं, कितना ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ में मथुरा वाले का फेमस स्वीट का भी आप आनंद ले सकते हैं और यहाँ पे रामजीपुरी वाले भी है और मोती वाला भोज भी है। आप नाश्ता, डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच यहाँ पे आप कर सकते हैं।